यह चैनल उन लोगों को समर्पित है जो बीमारी के लक्षणों और बीमारी के लक्षणों के बारे में नहीं जानते हैं। बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता है कि वह इस चैनल का लाभ ले सकता है। अपच इचकी मतली उल्टियां अपच पाचन तंत्र में किसी गड़बड़ी के कारण भोजन न पचने को अजीर्ण या अपच कहते हैं। कई बार समय असमय भोजन करने से कभी भी कहीं भी कुछ भी खाने पीने तथा बार बार खाते रहने से पहले खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता है और दूसरा भोजन पेट में पहुंच जाता है। ऐसे में पाचन तंत्र भोजन को पूर्ण रूप से नहीं पचा पाता, जो अजीर्ण का मुख्य कारण है। अधिक तला भुना या मिर्च मसाले युक्त भोजन के सेवन से भी अजीर्ण या अपच हो जाता है। इस रोग में रोगी को भूख नहीं लगती, खट्टी डकारें आती है, छाती में तेज जलन होती है, पेट में भारीपन महसूस होता है तथा बेचैनी सी होती रहती है। रोगी को पसीना अधिक आता है, नींद भी नहीं आती और कभी कभी अतिसार दस्त भी होता है। अजीर्ण का विभिन्न औषधियों द्वारा उपचार: एक, अजवाइन तथा सौंफ पीस कर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण दिन में दो बार शहद के साथ चाटने से अपच में आराम मिलता है। तो छाछ गरिष्ठ वस्तुओं को पचाने में बहुत लाभकारी होता है। एक, चम्मच सेंधा नमक, भुना जीरा तथा काली मिर्च मिलाकर सेवन करने से अजीर्ण रोग दूर होता है। तीन, अजवाइन ऋण 200 ग्राम, हींग ऋण 4 ग्राम और काला नमक ऋण 20 ग्राम को एक साथ पीस कर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 2 ऋण 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी से खाने से लाभ होता है। 4, मेथी को पीस कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को दिन में 3 बार 1 ऋण 1 चम्मच गर्म पानी से खाने से अपच, पेट दर्द व भूख न लगना आदि दूर होता है। 5, प्रतिदिन पके हुए बेल का शरबत पीने से अजीर्ण रोग ठीक होता है। 6, ताजे पानी में आधे नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और चुटकी भर नमक मिलाकर पीने से अपच दूर होता है। 7, हरड़ पिपली व सौंफ बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 3 ऋण 3 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करने से अजीर्ण में लाभ होता है। हिचकी कब आती है? हिचकी छाती और पेट के बीच एक मांसपेशी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम इन दोनों हिस्सों को अलग करती है और सांस लेने की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कभी किसी वजह से डायफ्राम सिकुड़ती है तो फेफड़े तेजी से हवा अंदर खींचते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे हिचकी शुरू हो जाती है। हिचकी आने के कारण जल्दी जल्दी भोजन निगलना या तेल मसालेदार भोजन का सेवन करना, ज्यादा खाने से या अल्कोहल का सेवन, जोर जोर से हंसना, चिंता, तनाव या गुस्से की वजह से भी हिचकी आ सकती है। खून की कमी, रक्तस्राव, गैस्ट्रिक समस्या, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट, ब्रेन ट्यूमर या कोई पुरानी बीमारी की वजह से हानिकारक धुआं आदि। हिचकी कब है खतरनाक? हिचकी वैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अगर बार बार हिचकी आए और उसके साथ बुखार, दर्द, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी जैसे लक्षण हो तो हिचकी खतरनाक हो सकती है। वैसे तो हिचकी कुछ मिनटों तक ही रहती है, लेकिन अगर हिचकी न रुक रही हो और 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। तुरंत हिचकी रोकने के उपाय: 1 चम्मच चीनी मुंह में डाल लें, हिचकी बंद हो जाएगी। एक रिसर्च के मुताबिक ध्यान किसी दूसरी ओर ले जाने से भी हिचकी बंद हो जाती है। ध्यान भटकाने के लिए उल्टी गिनती गिने, उल्टी गिनती यानी 100 सेकंड तक गिने, जीभ को जित ना हो सके बाहर निकालें। इससे गले का वह भाग खुल जाएगा जो नाक के रास्ते वोकल कॉर्ड को जोड़ता है। गहरी सांस लें, सांस को कुछ सेकंड के लिए रोके। रिसर्च के मुताबिक फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड के भर जाने पर डायफ्राम उसे बाहर निकालता है और इसकी वजह से हिचकी आनी बंद हो जाती है। 1 ग्लास पानी झट से पी जाएं। अगर किसी को हिचकी आ रही है तो उसे डराने या कोई सरप्राइज देने से भी हिचकी बंद हो जाती है। नींबू भी हिचकी को रोकने में फायदेमंद होता है। 1 चम्मच नींबू के ताजे रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाएं। 3, काले मिर्च को चीनी या मिश्री के 1 टुकड़े के साथ चबाएं। काले मिर्च के रस से हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। सिरके का खट्टा स्वाद भी हिचकी को गायब करने में मददगार होता है। 1 चम्मच सिरका काफी है।
चुटकी भर नमक को पानी में मिलाकर एक या दो घूंट पीने से भी हिचकी से आराम मिलता है। खाना आराम से चबाकर खाएं। अपने कानों को 20 सेकंड के लिए बंद कर लें या कान के नर्म हिस्से को हल्के से दबाएं। ऐसा करने से डायफ्राम से जुड़ी वेगस नस तक संदेश जाएगा और हिचकी बंद हो जाएगी। मथुटी कसकर बांधने से नर्वस सिस्टम का ध्यान हिचकी पर से हट जाता है और हिचकी बंद हो जाती है। मतली शरीर है तो बीमारी भी आती जाती रहती है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई। बहुत सी बीमारियों से पहले हमारा शरीर हमें उसके प्रति आगाह करता है और रिएक्ट करता है। मतली भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ी चल रही है, आपको इसको समझने की जरूरत है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मतली क्या है और क्यों होती है। मतली हमेशा उल्टी होने से पहले होती है। मतली एक आम लक्षण है जो कई रोगों और परिस्थितियों में दिखाई देता है। मतली के कुछ आम कारणों में दवाई का साइड इफेक्ट, फूड पॉइजनिंग, मोशन सिकनेस, गर्भधारण और ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन शामिल है। आमतौर पर इन्फ्लुएंजा से गैस्ट्रोएंटेरिटिस तक के संक्रमण वाले लोगों को मतली होती है। उल्टी मतली से ज्यादा चिंताजनक होती है। मतली के साथ सबसे आम लक्षण उल्टी होती है, चक्कर आना, बेहोशी, मुंह का सूखना, दस्त, बुखार, पेट में दर्द और पेशाब में कमी आमतौर पर मतली के लक्षणों में शामिल है। मतली के गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, भ्रम, सुस्ती, तेजी से पल्स का चलना, सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक पसीना और बेहोशी भी शामिल है। मतली के लिए उपचार उसके मौलिक कारणों पर निर्भर करता है। ज्यादातर मामलों में मतली से पाने आप ही आराम मिल जाता है। उपचार में बहुत सारे तरल पदार्थ और लिक्विड डाइट पर रखा जा सकता है। गंभीर मतली में दवाओं के साथ इलाज की आवश्यकता हो सकती है। उल्टियां जरूरत से ज्यादा खा लेने से, ज्यादा शराब पी लेने से, गर्भावस्था में पेचीदगी बढ़ी, कोई बीमारी, एसिडिटी, ट्रैवलिंग के समय या फिर माइग्रेन में किसी को उल्टी होना बहुत आम बात है, क्योंकि आपका शरीर पूरी तरह से खाए गए भोजन को पचा नहीं पाता है, या फिर ऐसे में फूड पॉइजनिंग भी एक कारण हो सकती है। अगर इंसान को ज्यादा उल्टियां हो रही हो तब बात गंभीर हो सकती है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो जाना स्वाभाविक है। बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए यही होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लें और फिर दवाइयां या फिर ग्लूकोज की ड्रिप चढ़वाएं। आपको यह बात जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे घर में कुछ प्राकृतिक चीजें हैं जिनकी मदद से हम अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं उल्टी रोकने के घरेलू उपाय। अदरक, क्या आपको अक्सर सफर के दौरान उल्टी महसूस होती है तो आप अदरक की चाय पीकर ही अपनी यात्रा के लिए घर से निकलें। आप चाहे तो उल्टी महसूस होने पर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर रख लें और धीरे धीरे चबाते रहें। पुदीने की पत्तियां उल्टी रोकने का एक और तरीका है। पुदीने की चाय बनाकर पी लें। पुदीने की पत्तियों के सेवन से भी उल्टी को रोका जा सकता है। सिरका, घर में मौजूद सिरका और काला नमक मिला लें और फिर चाटते रहें, इससे उल्टियां रुक जाती है। दालचीनी, आप चाहें तो दालचीनी भी डालकर चाय बना सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा पानी में उबाल लें और फिर उसमें शहद मिला लें। चावल का पानी खाली पेट में हाइपर एसिडिटी बनने की वजह से भी उल्टी होने लगती है। ऐसे में आप चावल को पानी में उबाल लें और फिर उसके पानी को निकालकर ठंडा करके पी लें। प्याज का रस, एक प्याज के रस को घिसकर उसका रस किसी बर्तन में निकाल लें। अब इस रस में थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और इसका एक एक चम्मच हर दो घंटे पर पीते रहें। बर्फ, बार बार उल्टी हो रही हो तो बर्फ चूसना शुरू कर दें। नींबू, नींबू के एक टुकड़े में काला नमक मिला ले और फिर अपने मुंह में रख ले, आपको उल्टी का एहसास नहीं होगा। शहद, एक ग्लास पानी में शहद मिलाकर पीने से भी उल्टियां रुकने में मदद मिलती है। लहसुन, अगर यात्रा के दौरान आपकी उल्टियां रुकने का नाम नहीं लेती हैं तो लहसुन की दो किलियां चबाने से आपको बहुत आराम मिलेगा। इलायची, उल्टी जैसे ही आपको महसूस हो उसी समय दो इलायची निकालकर खा लें।
आराम जल्द मिलेगा। इससे आपकी पेट की एसिडिटी भी शांत हो जाएगी और खाना हजम होने में भी आसानी होगी। बेरियम एनीमा एक बृहदान्त्र और मलाशय के स्तर की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को एक निचली जठरांत्र या श्रृंखला भी कहा जाता है। बेरियम का संबंध बेरियम सल्फेट से है, एक चीनी जैसा रसायन जो एक्सरे फिल्म पर सफेद रंग में प्रकट होता है। एनीमा गुदा के माध्यम से मलाशय में पंप किए जाने वाला तरल पदार्थ होता है। बेरियम सल्फेट का तरल आपकी आंतों में प्रवाहित करने के बाद एक्सरे चित्रों की एक श्रृंखला देते हुए अपनी राह बनाता है। इन एक्सरे में बेरियम का सफेद तरल पदार्थ आंतों के स्तर में आई कुछ असामान्यताएं गहरे रंग में दिखाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आंतों के दीवारों की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हवा पंप से आंतों में डाली जा सकती है। इस परीक्षण को 45 मिनट लगते हैं। इस प्रक्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको अस्पताल में रात भर रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक्सरे स्वयं पीड़ा रहित प्रक्रिया है। एनीमा देते वक्त कुछ मामूली परेशानी हो सकती है, आपको भरा या गैसेस जैसा महसूस हो सकता है। इसलिए more information about health and see everything on our website we have.